गुड इवनिंग फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में तो फ्रेंड्स आज है धनतेरस और सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आज मैं आपको आम के पत्ते और गेंदा के फूलों से बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा तोरण बनाना बताऊंगी तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेलाइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो ये देखिए दोस्तों इस पेड़ में से हम कुछ पत्ते और तोड़ लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आम के इतने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आम के पत्ते मैंने दोनों ओर से अच्छे से साफ कर लिए हैं और ये देखिए यहाँ पर मैंने गेंदा के फूलों की माला मंगाई थी तो इसमें लाल और पीले दोनों फूल हैं आप खुले फूल भी मंगा सकते हैं और एक कलर के फूलों से भी आप बना सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर मैंने मोटा धागा लिया है बड़ी सुई ली है और कैंची ली है तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सुई में धागा डाल लेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमें मोटा धागा ही लेना है पतला नहीं लेना है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने धागा डाल लिया है और इतना लंबा मैंने धागा लिया है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा धागा ले सकते हैं और सबसे पहले हम कैंची से आम के पत्तों की जो डंठल हैं वो काट लेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से हम जो आम के पत्तों में जो डंडे लगे हुए हैं डंठल वो काट देते हैं और ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें काट लेना है अब हम यहाँ पर एक पत्ता लेंगे ये देखिए इस प्रकार से हमें पत्ते लेना है और इसके ऊपर इस प्रकार से पत्ते को रख देना है ये देखिए एक और पत्ता लेंगे इसको भी इस प्रकार से रख देंगे तो ये देखिए इस प्रकार से रखना है हमें यानी आधे आधे पत्ते हमें छिपा देने हैं और दूसरी साइड से भी हमें इस प्रकार से ही रखना है ये देखिए एक और पत्ता लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम कुल पांच पत्ते लेंगे ये देखिए इस प्रकार से हमें पांच पत्तों को एक के ऊपर एक रख के तिरछा साइड से इस प्रकार से जमाना है ये देखिए आप देख सकते हैं अब हम सुई से इनको सिल देंगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप इनको सुई धागे से नहीं सिलना चाहते हैं तो आप इनको जोड़ने के लिए स्टेपलर का उपयोग भी कर सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं सुई धागे से सिल रही हूँ और सुई धागे से सिलना भी बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है ये देखिए आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर सुई धागे का इस्तेमाल करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा वस्तुएँ उपलब्ध हों तो ये देखिए अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप सुई धागे का इस्तेमाल करके बहुत ही अंदर और बहुत ही बढ़िया तोरण बना सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सुई धागे से मैंने इन पत्तों को सिल दिया है ये देखिए अब हम रोल बनाएंगे इन पत्तों के तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सुई में दूसरा धागा पिरो लिया है और ये देखिए पत्ता लेंगे इसको इस प्रकार से उंगली से हम गोल गोल उंगली के चार ओर लपेट कर एक रोल बना लेंगे और ये देखिए यहाँ पर सुई हम अंदर की ओर से डालेंगे ये देखिए इस प्रकार से धागे में हमें गठान लगा लेना है पहले ही और ये देखिए इस प्रकार से हम सुई को तिरछा करते हुए वापस से निकाल लेंगे ये देखिए इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार से छोटा सा आपको धागे से छोटा सा सिलना है छोटी सी जगह पर और ये देखिए एक बार फिर से सिलेंगे और सुई को तिरछा करते हुए निकाल लेंगे कुल मिलाकर यहाँ पर तीन से चार बार हमें सिलाई लगानी है यानी टाँके मारना है ये देखिए इस प्रकार से इससे रोल बहुत ही अच्छा बनेगा तो दोस्तों यहाँ पर हम गठान अंदर से लगाएंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऊपर से गठान लगाना बता रही हूँ अगर आप अंदर से नहीं लगा पाते हैं तो इसलिए धागे के अंदर से धागा निकालना है इस प्रकार से हम गठान लगा सकते हैं देखिए आप देख सकते हैं मैंने एक बार धागे के अंदर से धागा निकाला उसके बाद जो गोल राउंड बनेगा उसमें से धागा निकाल लेंगे और उसके बाद जो सुई में धागा डला है उसमें से निकालते हुए हम गठान लगा देंगे ये देखिए इस प्रकार से ये तो यहाँ पर मैंने अंदर से गठान लगाई है आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर रोल बनकर तैयार है ये देखिए आप देख सकते हैं तो इसी प्रकार से हम दूसरा रोल तैयार कर लेंगे तो ये देखिए पत्ते को उठाना है इस प्रकार से उंगली के चारों ओर लपेट करके रोल तैयार कर लेना है सुई धागे से हमें सिल देना है ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इतने सारे रोल हमने तैयार कर लिए हैं ये देखिए आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं तोरण तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस तोरण को छोड़ दिया था अब हमने फूल लिए हैं तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं पीले कलर का फूल लेती हूँ और इसको हमें इस प्रकार से रखना है ये देखिए इस प्रकार से और यहाँ पर हमें पीछे से सुई इस प्रकार से जो फूल का डंठल है यहाँ पर से निकालना है एक बार और फिर से सिलेंगे इसको ये देखिए डंठल में से निकालना है हमें सुई को ये देखिए इस प्रकार से हमें फूल को यहाँ पर लगा देना है एक और पीला फूल लेंगे और ये देखिए इस प्रकार से पंखुड़ियों को नीचे इसको रख देंगे और इसको भी इस प्रकार से पंखुड़ियों को हटाते हुए सिल देंगे याद रहे हमें डंडी पर से सिलना है अभी फूल को ये देखिए इस प्रकार से दो से तीन टाँके लगाएंगे हम इसमें यानी दो से तीन बार हम सिलेंगे फूलों को ये देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दो फूल लगा दिए हैं पीले कलर के अब मैं लाल कलर के फूल लूँगी तो ये देखिए इसको साइड में लगाना है, नहीं नहीं है. तो ये देखिए इस प्रकार से और इसको भी डंडी की ओर से सिलना है यानी जो डंडी की साइड है यानी फूल के पीछे वाली साइड वहाँ से इसको सिलना है ये देखिए फूल के बीच में से हमें नहीं निकालना है डंडे की तरफ से हमें सिलना है तो ये देखिए इस प्रकार से इसमें भी दो से तीन बार हम सिलाई लगा, लगा देंगे यानी टाँके लगा देंगे सुई धागे से सिल देंगे दूसरी साइड भी हम यही फूल लेंगे यानी इसी कलर का फूल लेंगे और उसको भी जिस प्रकार से हम ये तीन फूल सिले हैं हमने यानी तीन फूलों को लगाया है उसी प्रकार से इसको भी सुई धागे से हम सिल देंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये चार फूल लगा दिए हैं आप एक कलर के फूल का वो उपयोग भी कर सकते हैं लेकिन दो कलर के फूल अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे तो ये देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर रोल लगाएंगे ये देखिए यहाँ पर रोल उठाया है मैंने एक और इसको इस प्रकार से सिलेंगे तो ये देखिए यहाँ पर से ऊपर से एक बार और सूई निकालेंगे हम और ये देखिए फूल की डंडी में से या फिर पत्तों में से इस प्रकार से हम इसको सिल देंगे जिससे कि ये चिपका रहे दूर दूर ना दिखे तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने दो बार इसमें सिलाई लगा दी है यानी रोल को दो बार सिल दिया है जिससे ये फूलों से चिपका रहे ये देखिए दो रोल लगाए हैं यहाँ पर मैंने अब मैं यहाँ पर लाल फूल ले रही हूँ गेंदा का ये देखिए वापस से हम दो रोल उठाएंगे और दो रोल सिल देंगे यहाँ पर ये देखिए अब हम यहाँ पर पीला फूल लेंगे ये देखिए दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर दो दो फूल भी लगा सकते हैं लेकिन मैं एक एक फूल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये देखिए दो रोल वापस से ले लिए हैं और अब मैं लाल फूल लूँगी तो दोस्तों आप अपने पसंद के अनुसार एक कलर या दो कलर के फूलों का उपयोग कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आठ रोल का उपयोग कर रही हूँ यानी इतना बड़ा तोरण बना रही हूँ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा तोरण बना सकते हैं जितना बड़ा या जितना छोटा आपको चाहिए दरवाजे के हिसाब से आप उतना बड़ा बना सकते हैं अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो रोल और फूल आप और लगा दीजिए और अगर छोटा बनाना चाहें तो आप इनमें से कम कर दीजिए तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा यहाँ पर मैंने एक तोरण बना लिया है ये देखिए आप देख सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही न्यू डिज़ाइन तोरण बनकर तैयार है और इसको बनाने में बहुत ही कम खर्च आया है और समय की बहुत ही बचत हुई है यानी बहुत कम समय में हमने इस तोरण को बनाकर तैयार कर लिया है तो ये देखिए दोस्तों इसी प्रकार का हमने दूसरा तोरण भी बनाकर तैयार कर लिया है तो दोस्तों अगर आपको भी धनतेरस पर या दिवाली पर तोरण लगाना है अपने मुख्य द्वार पर तो आप इस वीडियो में देख कर जरूर ट्राई करें ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे और बहुत ही अट्रैक्टिव ये तोरण लग रहे हैं और सबसे ख़ास बात दिवाली की भागम भाग में आप बहुत ही कम समय में इन तोरण को बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको दो तोरण लगाने हैं यानी आप दरवाजे के एक तोरण इस ओर और, और दूसरा तोरण उस ओर आप लगा सकते हैं और अगर आपको लड़ी में लगाना है तो आप सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस प्रकार से तोरण बना सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लगेंगे दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर सबसे कम समय में और बहुत ही कम खर्च में हमने तोरण बनाकर तैयार कर लिया है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार इसी प्रकार से बना रखिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार